ये बिजनेस मैन है, ओरिजिनल बिजनेस मैन है, टेक्निक जानता है कैसे इसको क्या किया जाएगा। आँख खुलने वास्ते कितना बोलने लगा, अंधेरा था। अरे ये सब सुबह में ये सब पैक किया है, छवि तो बना, आपको वीडियो अच्छा बना, वीडियो तो बना रहा हूँ हम। एक तो कितने से ही हो जाएगा, मुंडी कितने से हो जाएगा, एक तो कितने से हो जाएगा, पचास पचास एकदम हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि बारिश के दिनों में जो है बिहार और नेपाल के बॉर्डर एरिया से कुछ जंगली पक्षी वगैरह जो है वो महानगरों की तरफ भेजा जाता है और इस पर ऊंचे दामों में बेचा जाता है। हम लोग 21वीं सदी में जीते हैं जहाँ की किसी का भी स्वतंत्रता का हनन करना अक्षम्य अपराध है और मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गलत है। इसी के मद्देनजर जो है एक सूचना मिली, उसी के आधार पर हमने अपना टीम जोगबनी एक्सप्रेस में जब मालदा पहुंची है गाड़ी तो हम लोगों ने चेक कराया तो एक स्लीपर कोच में जो है दो लेबोरेटरी के बीच में वो रखा हुआ था, दो बॉक्स टाइप के, और उसके बारे में पहले तो देखा गया कि कोई आता जाता है कि नहीं उसके पास, जब नहीं देखा गया तो चिल्ला के पूछा गया कि भाई किसका है, नहीं है, कोई बताया नहीं। जब उसको खोल के देखा गया वो एक्चुअली आपका गनी चट के द्वारा रैप किया हुआ था, जब उसको उठा के देखा गया तो उसके अंदर हरे रंग का तोता जो है उसमें रखा गया, में दो केज था, एक एक केज में लगभग 100-100 की संख्या में था। और सबसे बड़ी बात है कि तोते का मुंह जो है वो एक कैप के द्वारा ढक के रखा गया था, वो कपड़े का कैप था जिससे कि ढक दिया जाए जिससे आवाज ना निकले। तो फिर हम लोगों ने उसको उतारा और अपना कागजी कार्रवाई करने के बाद वो आपके फॉरेस्ट विभाग जो मालदा के हैं उनको हैंड ओवर किया गया। उसको पकड़ा गया? जी नहीं, वो तो मैंने एक अपना जाल बिछा के रखा था लेकिन उस सामान के आसपास जो है कोई पहुंचा नहीं। इन द मीन टाइम जो है गाड़ी खुलने वाली थी तो हम लोगों ने वो उतार लिया, लेकिन उस पर नजर है, अगर इस तरह का कोई भी अपराधी नजर आता है तो किसी भी दृष्टिकोण से उसको छोड़ा नहीं जा सकता। संख्या में कितना था? लगभग 200 थे। आप लोग दे दिया जी?